प्रणाम हाय कुछ हमुद्दीन मैं दौड़ रहा हूँ सबके बिन। वेलकम टू सत्य भैरव चैनल। आप देख रहे हैं सत्य भैरव चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त सत्य। जी हाँ दोस्त, आज हम रिव्यू करने वाले नए पिक्चर के ट्रेलर के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुई है वो है भागी 3। जी हाँ दोस्तों, आपको पहले से मालूम होगा दरअसल 2016 में रिलीज हुआ था भागी पार्ट 1 और 2018 में रिलीज हुआ था भागी पार्ट 2 और 2020 में रिलीज होने वाला है अगले महीने मार्च 6 तारीख को भागी पार्ट 3। दरअसल हीरो तो इस पिक्चर में तीनों के तीनों पार्ट में एक हीरो है, वो हमेशा की तरह टाइगर श्रॉफ जो बॉलीवुड के एक्शन किंग कह सकते हैं और काफी अच्छे एक्शन काफी अच्छे स्टंट कर लेते हैं और काफी अच्छा इनका फिजिक्स है। सलमान खान के बाद तो उनका ही नंबर आता है जो काफी अच्छे स्टंट कर लेते हैं, काफी अच्छे फाइट कर लेते हैं। इसलिए इस पिक्चर में डायरेक्टर ने वापस इन्हें नहीं चुना है। जिस पिक्चर के डायरेक्टर जो है अहमद खान और ये पिक्चर रिलीज होने फॉक्स स्टार स्टूडियो बैनर पे और साजिद नडियाड वाला ग्रैंड सन प्रोडक्शन एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के बैनर में रिलीज होने वाली अगले महीने 6 तारीख को मार्च 6 तारीख 2020 में। या दोस्तों, जैसल पिक्चर में जो है एक हमारे हीरो जो है टाइगर श्रॉफ इस पिक्चर के एक बड़े भाई एक होते हैं जो रितेश देशमुख, इनके जो सपोर्टिंग एक्टर्स इसमें सपोर्टिंग एक्टर की तरह दिखाई देते हैं, एक पुलिस वाले की तरह, कॉप्स की तरह जो एकदम सीधा साधे कॉप्स है, किसी से लड़ना नहीं चाहते, बस अपने काम से मतलब रखना चाहते हैं, वैसे कॉप्स होते हैं। और उनपे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमें याद करते हैं, अपने छोटे भाई को जब याद करते हैं तो तुरंत वहां पे हाजिर हो जाते हैं, भले वो थिएटर हो या तो फिर कोई पब्लिक प्लेस हो, तो बस वहां पे रहकर उनका फाइट चालू हो जाता है। दरअसल इस पिक्चर में हीरोइन की रोल कर रही है शारदा कपूर। इस पिक्चर में एक गली की लड़की तरह, एकदम नॉर्मल लड़की तरह जो एकदम ओपनली गालियां बोलती है और ओपन माइंडेड रहती है, इस तरह है ये लड़की जो हीरोइन की रोल कर रही है शारदा कपूर। और इस ट्रेलर में आपको देखने को मिलेगा दरअसल शुरुआत से लेकर एंड तक फाइट ही फाइट है। जो रितेश देशमुख के उनके बड़े भाई होते हैं हीरो के, वो विदेश जाते हैं जरा काम से, वो भी सीरिया जाते हैं और वहां जाकर वो एक टेरिस के हाथ में फंस जाते हैं और उनकी बचाव के लिए अपने हीरो जाते हैं और वहां से पूरे इतने बड़े गैंग के साथ लड़ते हैं। बस ये है इस पिक्चर की स्टोरी। और इस पिक्चर को देखने में ऐसा लगता है कि जैसे पिक्चर के लिए हीरो नहीं है बल्कि हीरो के लिए पिक्चर निकाला गया है। शुरुआत से लेकर एंड तक आपको देखने को मिलेगा जबकि हीरो मारते हैं यहाँ तक कि उन पर एक गोली भी नहीं उनको छू पाती है और यहाँ तक बड़ी सी बॉम्बार्डिंग ड्रैंक भी अगर बॉम्बार्डिंग कर दे तो भी हीरो को कुछ नहीं होता है, बस भागते हुए निकल जाते हैं। यहाँ तक कि 3 हेलीकॉप्टर फायरिंग करती है, पूरे गोलियां बरसाती है, पर हीरो को कुछ नहीं होता है और वो बस निकलता है, भाग निकलता है। बस इसी तरह वाकई माना कि हमने ऋतिक रोशन की तरह ये भी काफी अच्छे एक्टर है और काफी अच्छे स्टंट कर लेते हैं और हमारे टाइगर श्रॉफ, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि भाई एक गोली उनको ना लगे और सारे की सारे गोली सामने वाले को लगे ताकि दुश्मन को लगे, और स्टंट इस तरह करते हैं कि एक साथ 4 लोगों को मार गिराते हैं। ठीक है, मान लिया, बाकी पिक्चर आपको एक्शन मूवी दिखाना चाहते हैं, ट्रेलर देखने लायक है, देख लेते हैं। अब देखते हैं जब पिक्चर रिलीज होगी तो वाकई है क्या पिक्चर में क्या, तो फिर इसी तरह ट्रेलर की तरह बस स्टंट ही स्टंट है, आखिर तक हीरो को कुछ भी नहीं होता, बस जो भी होता है सब विलन को ही होता है। देखते हैं इस पिक्चर जब रिलीज होगी अगले महीने 6 मार्च को। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको कोई राय आप देना चाहते हैं अपनी सजेशन, तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।